तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज कॉफी। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी गला बैठ चुका है क्योंकि लगातार चार दिन से वीडियो ही शूट कर रहे हैं और चिल्ला कर ये गला बैठ गया है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं पूरा, यानी कि अलवर जयपुर निचोड़ कर, दौसा भी निचोड़े हैं, उधर भानगढ़ भी पूरा, और अब जाके भरतपुर हम लोग पहुँचे। मोहित भाई, अब ऐसा लग रहा है कि गला बैठ गया है। आवाज़ जो है अब गला जो है बैठ गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मोटी मोटी आवाज़ हो गई है थोड़ा सा। तो अभी हम लोग खड़े हैं भरतपुर बस स्टेशन, यानी कि बस स्टॉप, और आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा, यही घुमाते हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगरा के लिए, और आज लास्ट दिन है यहाँ पे, और हम दोनों भाई भी बिछड़ेंगे यहाँ पे, और एक तो मेरे साथ में आया था, वो तो साथ ही में जाएगा। तो अभी मेरे सामने है बस, सरकारी जो बस होती है ना, वहाँ पे जो सर्विस गैराज टाइप से सर्विस डिपो जो होता है, ये वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो अभी पीछे से बस आ रही, साइड में हट जाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को, भरतपुर का रेल बस अड्डा दिखाते हैं आपको, ठीक है पूरा। तो दोस्तों, इधर से आता है कुछ भरतपुर बस स्टैंड का गेट मेन, और यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। अगर किसी वाहन से किसी को छोड़ने वगैरह आते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है इंडियन ऑयल का। और ये रहा इसका मेन गेट, सामने खड़ी है लोहागढ़ डिपो। ये देखिए कुछ बस अड्डे ऐसे ही होते हैं यार, पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, कोई रेलवे स्टेशन तो है, बार बार मरम्मत होती है इनकी, ठीक है। और यहाँ पर आपको SBI ATM मिल जाएगा, जिस मैंने अभी ट्राई किया तो उसमें पैसे वगैरह है नहीं, बाद में हो सकते हैं आप अगर आप आइए तो ट्राई कर लीजिए। ये देखिए केंद्रीय बस स्टैंड, चलिए चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग पहुँच गए हैं बस अड्डे, और यहाँ पे कुछ म्यूजिक चल रहा है, तो शायद कॉपीराइट ना जाए कहीं से। तो पैसे बैक कैमरे से बैक को दिखाते हैं यहाँ का भरतपुर का बस अड्डा जो है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कतार में खड़ी होती हैं बसें, और ये एक बैक हो रही है। यहाँ से जाएंगे सीधा आगरा, क्योंकि हम लोगों को जाना है लखीमपुर और भाई को जाना है लखनऊ, तो आगरा से ही सब कुछ मिल जाएगा, बाकी यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से मोहित भाई सामने की तरफ जा रहे हैं, वो भी वीडियो ही शूट कर रहे हैं। यहाँ पे शौचालय महिला और पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि आप लोग सुविधा ये होना ज़रूरी है, जहाँ से अधिकारी आप कैमरे की नज़र में है बाकायदा सब कुछ था। और जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे LCD वगैरह की दिक्कत नहीं थी, जो कि आराम से लगी हुई थी वो, सॉरी मैं वहाँ पे आप लोग दिखा नहीं पा। और यहाँ पे जलपान ग्रह, ठीक है, और यहाँ पे देखिए भरतपुर उसका धौलपुर में एक बार जा चुका हूँ। धौलपुर के अगर वीडियो आप लोगों को देखने हो तो आई बटन पर लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके देख लीजिए। वृंदावन जयपुर उदयपुर जाएगी ये बस, ठीक है, और इधर टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर यहाँ पे रहा है। और भरतपुर जयपुर जाएगी ये बस, अगर जयपुर किसी को जाना है तो ये बस पकड़ सकते हैं यहाँ पे, और यहीं से पकड़ सकते हैं सीधा रूट। इस पर भी लिखा नहीं हुआ, दीपक दिल्ली मथुरा के लिए ये जाती है बस, मथुरा दिल्ली के लिए सॉरी। और यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है जिस पर आप लोग भरतपुर ही सिर्फ लिखा हुआ, अभी अलवर जाती है, भरतपुर से सीधा अलवर जाएगी। और यहाँ पे अलवर डिपो, ये भी भरतपुर से अलवर जाती है। और यहाँ पर और दो बसें खड़ी हुई हैं जो कि जाएंगी अलवर डिपो, ये भी अलवर ही जाती है ना, बेटी कमा कोसे, तो ये जाएगी कोसी कमा डिग भरतपुर। ये देखिए बेटी कमा कोसे लोहागढ़ डिपो है, और ये यहाँ से रास्ता जाता है बाहर की तरफ, और ये जलपान ग्रह, और ये पूरा रहा बस अड्डे का कुछ सब। ये देखिए कुछ इस तरीके से सीन है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अभी ढूंढते हैं अपने साथी को और फिर यहाँ से बस पकड़ते हैं हम लोग सीधे आगरा के लिए, वहाँ से निकलेंगे हम लोग अपने अपने घर, और उसके बाद हो सकता है मैं भी जाऊँ लखनऊ, पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर पूरा देखिए आप लोग टाले पूरा। तो अभी दोस्तों क्या हुआ है कि जितना बैक कैमरे से मैंने आपको दिखाया है उतना ही है यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे है। ये देखिए एक बस अभी आई हुई है, पता नहीं कहाँ से आई है, ईदगाह डिपो। अरे यार ये आगरा से आई है ईदगाह, जानते हो आगरा में एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता है कि एरिया है ईदगाह करके। अभी देखना फ्रंट कैमरे से, इधर से थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो रही है क्योंकि उधर से ही सूर्य निकल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है इसका मेन गेट। और अभी क्या करते हैं, इतना ही दिखाने के लिए था देखो यहाँ पे। पर हाँ, लखनऊ वगैरह अगर आपको यहाँ से जाना है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले आगरा जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा। और बाकी आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे जयपुर है, अब यूपी में तो जा ही सकते हो, यूपी हुआ, और राजस्थान में भी कहीं जाओ, दिल्ली में भी जाओ, और अपना हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, और मध्य प्रदेश वगैरह कहीं भी जाओ, बाकी सभी जगह के लिए यहाँ पे बसें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों की जानकारी के लिए, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है रेड कलर का, उसको दबा के ब्लैक कर लेना है, पास में बेल आइकन उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।